अमृतसर में श्री दरबार साहिब में बेअदबी की कोशिश, लोगों ने आरोपी की पीट पीट कर हत्या की। घटना के बाद मौके पर पहुंचे डीसीपी परमिंदर सिंह भंडाल, कहा आरोपी करीब 25 साल का था। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बेअदबी की कोशिश की निंदा की, पुलिस अधिकारियों को घटना की पूरी जांच के दिए निर्देश। श्री दरबार साहिब की घटना पर पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने दुख जताया, कहा यह कोई साजिश हो सकती है, केंद्र सरकार या जुडिशियल एजेंसी जांच करे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, बेअदबी के पीछे कोई साजिश हो सकती है, इस बारे में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बेअदबी की घटना पर दुख जताया, दोषियों को सख्त सजा की मांग की। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की दो सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की सौगात, शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। पीएम मोदी का अखिलेश पर तीखा हमला, माफिया पर बुलडोजर चलाने पर उसे पालने पोसने वालों को होता है दर्द। पीएम मोदी बोले, कुछ दलों को देश की विरासत और विकास से दिक्कत, आतंक के खिलाफ सेना की कार्रवाई और मेड इन इंडिया वैक्सीन पर उठाते हैं सवाल। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम मंदिर का मुद्दा उठाया, कहा कुछ लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ के भव्य धाम और अयोध्या में भव्य मंदिर से दिक्कत, पहले जनता के पैसे का होता था गलत इस्तेमाल। मोदी बोले, अपनी तिजोरी भरने के लिए शुरू होती थी परियोजनाएं। पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास को बताया ऐतिहासिक, यूपी की प्रगति के नए द्वार खुलेंगे, कहा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास को गति और शक्ति मिलेगी, एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट, मेट्रो, वाटरवेज और डिफेंस कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने योगी के लिए दिया नारा, कहा यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। पीएम ने नारे पर अखिलेश का पीएम के नारे पर पलटवार, कहा यूपी के लिए योगी है अनउपयोगी। गंगा एक्सप्रेस के शिलान्यास के अवसर पर बोले सीएम योगी, कहा बीजेपी सरकार ने यूपी को एक्सप्रेसवे का प्रदेश बनाया, पिछली सरकारों पर बरसे सीएम योगी, कहा यूपी में आजादी से अब तक सिर्फ 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे, हमने 176 एक्सप्रेसवे पर काम कर बनाया रिकॉर्ड। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बीजेपी संकल्पित, यूपी पुलिस ने 70 सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा, शाहजहांपुर में पीएम मोदी की रैली में जा रहे थे प्रदर्शन करने, शाहजहांपुर को आपदा प्रभावित घोषित न करने से नाराज थे एसपी कार्यकर्ता, पूर्व विधायक राजेश यादव ने दी जानकारी। सीएम योगी ने प्रयागराज में माघ मेले के स्थान पर पहुंचकर गंगा आरती की, जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक, हरिद्वार से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा शुरू, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद, विजय संकल्प यात्रा 41 विधानसभा में होगी। जेपी नड्डा ने कहा डबल इंजन की सरकार से लोग खुश हैं, यूपी में 19 दिसंबर से बीजेपी शुरू करेगी जनविश्वास यात्रा, 6 जगहों से शुरू की जाएगी यात्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से यात्रा की करेंगे शुरुआत, 300 प्लस का लक्ष्य लेकर जन जन तक पहुंचेगी बीजेपी। अमेठी में कांग्रेस का जन जागरण अभियान, राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महंगाई और बेरोजगारी है सबसे बड़ा सवाल। राहुल गांधी ने कहा ना ही पीएम और ना ही सीएम योगी महंगाई और बेरोजगारी पर बोलते हैं, सिर्फ मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने में लगे हैं। राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करने के तरीके को गलत बताया, कहा गलत फैसले से गरीब और मध्यम वर्गीय जनता बुरी तरह से प्रभावित। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना काल में लोगों की मदद ना करने का लगाया आरोप, कहा चीन ने हमारी जमीन छीन ली, पीएम चुप है। राहुल ने अमेठी में भी हिंदू और हिंदुत्ववादी का मुद्दा उठाया, गोडसे को बताया डरपोक। जन जागरण अभियान में प्रियंका गांधी का किसानों से वादा, सरकार बनी तो किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। प्रियंका गांधी ने अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी पर साधा निशाना, पूछा कोरोना काल में क्या उन्होंने आपकी मदद की। प्रियंका ने पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को नौटंकी बताया, पूछा क्या आपको नौटंकी करने वाला पीएम चाहिए। अमेठी में कांग्रेस की पदयात्रा में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, जमकर हुई हाथापाई। मेरठ में AIMIM चीफ अजदुद्दीन ओवैसी की जनसभा, कहा उत्तर प्रदेश में सबसे कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं, आपको अपनी सियासी ताकत बनना होगा। ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ब्राह्मण वोटर्स के नाराज होने के डर से अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से नहीं हटाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा मोदी जी मेरठ में ट्रैफिक की समस्या को हल नहीं कर सके, वो क्या गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे। यूपी में चुनाव के पहले गरमाया माहौल, कई शहरों में अखिलेश के करीबियों पर आईटी का छापा। आयकर छापों पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, पूछा चुनाव के समय ही क्यों पड़ रही है रेड, समाजवादियों को डराने की कोशिश हो रही है। आयकर विभाग की कार्रवाई पर बोले अखिलेश यादव, हमें इसका था इंतजार, अभी आयकर विभाग आया, अब ईडी और सीबीआई भी आएगी। यूपी में आयकर छापों पर बीजेपी का ट्वीट, दमदार और ईमानदार सरकारें माफिया और भ्रष्टाचारियों पर करती हैं कार्रवाई। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने अपनी नई पार्टी का किया ऐलान, संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाम से कराएंगे पार्टी का रजिस्ट्रेशन। पार्टी लॉन्च पर बोले गुरनाम सिंह चढ़ूनी, कहा सभी दलों ने राजनीति को बनाया व्यापार, हम धर्म निरपेक्षता के आधार पर करेंगे राजनीति। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया गठबंधन, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ किया प्री पोल अलायंस। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की जम्मू कश्मीर के युवाओं से अपील, अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए करें संघर्ष। 20-25 दिसंबर तक मोदी सरकार बनाएगी सुशासन सप्ताह, 10 लाख शिकायतों का करेगी निपटारा। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बोले सहकारिता मंत्री अमित शाह, सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं के साथ है मोदी सरकार। अमित शाह ने सहकारी बैंकों में घोटाले का मुद्दा उठाया, का एक वक्त था जब महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों की ओर देखा जाता था। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी में आपत्ति जताई, कहा तालिबानी सोच हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने से लड़कियां आवारगी करेंगी,
नकवी ने कहा, मोदी सरकार में स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70 से घटकर 30 फीसदी हुआ। अगले दो साल में 0% करने का है लक्ष्य। अपने ताजिकिस्तानी समकक्ष से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अफगानिस्तान के हालात पर जताई चिंता। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। द्विपक्षीय रिश्तों पर हुई बात। ओडिशा के बालासोर में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। 1 से 2000 किलोमीटर दूर तक का निशाना लगाने में है सक्षम। परमाणु हथियारों से लैस नए जनरेशन की मिसाइल अग्नि पी। 28 जून को पहली बार हुआ था परीक्षण। बीएसएफ ने पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तानी ड्रोन पकड़ा। पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुआ था मेड इन चाइना ड्रोन। पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े जाने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चन्नी प्रसाद निशाना का। भांगड़ा मोड से बाहर आए सीएम। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चन्नी को दी सलाह। गृहमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को एक्टिव होने को कहें। 22 दिसंबर से सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा की शुरुआत करेंगे। शराबबंदी, दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह मुक्ति जैसे मुद्दों पर लोगों को करेंगे जागरूक। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का बयान। बीटीआर कोर्ट के एक साल पूरे हुए, शांति बहाली के साथ विकास हुआ। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में धमाके का आरोपी वैज्ञानिक गिरफ्तार। वकील से निजी दुश्मनी की वजह से रची थी धमाके की साजिश। सेंट्रल दिल्ली में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो ऑटो लिफ्टर्स को पकड़ा, एक को पैर में लगी है गोली। उत्तराखंड के खटीमा में एकलव्य विद्यालय का उद्घाटन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जनजाति क्षेत्र के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाना मेरा सपना था। सिलीगुड़ी में आईओसी के पास मिला बम, बम को डिफ्यूज किया गया। हरियाणा में नशाखोरी के खिलाफ अभियान जारी। पलवल में 7 क्विंटल पॉपी हस्क बरामद। बेंगलुरु में शिवाजी महाराज के अपमान पर बड़ा विवाद। उपद्रवियों ने स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की तोड़ी प्रतिमा। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने प्रदेश के गृहमंत्री को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। मामले में अब तक 27 लोग गिरफ्तार। सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मामले में हस्तक्षेप की मांग की। कहा, शिवाजी सिर्फ महाराष्ट्र नहीं देश का गौरव है। बेंगलुरु में शिवाजी के अपमान पर गुस्से में शिवसेना कार्यकर्ता। पुणे में किया प्रदर्शन। बेंगलुरु में ऑनलाइन ठगी की शिकार हुई महिला। करीब 3 लाख रुपए की ठगी हुई। आजमगढ़ में अलग अलग अपराधों में शामिल 4 लोग गिरफ्तार। दहेज हत्या और छेड़खानी मामले में गिरफ्तारी हुई। वाराणसी के सिगरा में 2 चोर गिरफ्तार। चोरी की कैश समेत कई सामान बरामद हुआ। मुजफ्फरनगर में जीआरपी और पुलिस की साझा कार्रवाई। ओडिशा से गांजा ला रहा शख्स गिरफ्तार। चंदौली में पुलिस ने 6,500 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की। बिहार ले जाई जा रही थी शराब। बुलंदशहर में 2 ट्रक तस्कर गिरफ्तार। करीब 2 लाख रुपए का गांजा, गाड़ी और अवैध हथियार बरामद। महाराष्ट्र के पालघर में ड्रोन सेवा लॉन्च। जवाहर तालुका के रिमोट एरिया में वैक्सीन सप्लाई में मिलेगी मदद। कोविड सुपर मॉडल पैनल का अनुमान, ओमिक्रॉन की वजह से फरवरी में तीसरी लहर अपने चरम पर होगी। गाजियाबाद को दोनों ओमिक्रॉन संक्रमितों की हालत स्थिर। 29 नवंबर को मुंबई से आए थे। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 8 नए केस मिले। अन्य वेरिएंट से 24 घंटे में 854 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र के सतारा में एक ही परिवार के 3 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित। युगांडा से सतारा आया है परिवार। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में 2 जगहों पर 33 कोरोना संक्रमितों में से 5 ओमिक्रॉन केस, बाकी लोग अन्य वेरिएंट से संक्रमित। दिल्ली में 5 अस्पतालों में होगा ओमिक्रॉन का इलाज। एलएनजेपी के अलावा 4 निजी अस्पतालों को किया गया डेडिकेट। दिल्ली के 4 निजी अस्पतालों को ओमिक्रॉन डेडिकेटेड सेंटर्स में बदला गया। गंगाराम हॉस्पिटल, मैक्स, साकेत, फोर्टिस, वसंत कुंज और बत्रा अस्पताल शामिल। यूरोपीय देशों में ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए कड़े किए जा रहे हैं कोविड नियम। लोग कर रहे हैं विरोध। ओमिक्रॉन से ब्रिटेन बुरी तरह से प्रभावित। पहली बार 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 3,000 से ज्यादा नए केस मिले। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 3,297 लोग संक्रमित। 43 लोगों की हुई मौत। नवी मुंबई के स्कूल में टूटा कोरोना का कहर। एक ही स्कूल से 18 छात्र हुए संक्रमित। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 137 नए केस। 24 घंटे में 1 संक्रमित की मौत। ओडिशा में कोरोना के 169 नए केस। 24 घंटे में 1 संक्रमित की मौत। दिल्ली में कोरोना के 86 नए केस। 24 घंटे में किसी संक्रमित की मौत नहीं। तमिलनाडु की केंद्र सरकार से मांग, विदेशों से आने वालों के लिए कोरोना जांच के लिए नई गाइडलाइंस बनाई जाएं। बीएमसी ने नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की। फुली वैक्सीनेटेड लोगों को सार्वजनिक जगहों पर एंट्री की अनुमति। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से बचने की तैयारी में जुटा चीन। बॉर्डर वाले इलाकों में बफर जोन तैयार करने के दिए निर्देश। पाकिस्तान के कराची में एक इमारत में धमाका। पाकिस्तान के जियो न्यूज के मुताबिक 16 लोगों की मौत हुई। चीन के हवाई में दर्दनाक हादसा। रैंप ब्रिज टूटने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल हुए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में केएल राहुल बने उपकप्तान। रोहित के चोटिल होने पर दी गई जिम्मेदारी। टीम इंडिया ने सेंचुरियन के मैदान में किया जमकर अभ्यास। विराट कोहली ने अफ्रीका में पहले ट्रेनिंग सेशन की फोटो की शेयर। टीम इंडिया के स्पिनर आर अश्विन ने सीएसके को दिल के करीब बताया। अगले साल सीएसके के लिए खेलने में अच्छा लगेगा कहा। एशेज सीरीज के एडिलेड टेस्ट में 3रे दिन का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर बनाए 45 रन। कुल 282 रनों की बनाई बढ़त। एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड सिर्फ 236 रन ही बना पाई। डेविड मलान ने सबसे ज्यादा 80 रन बनाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।